नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। बाढ़ और कोरोना जैसी भीषण आपदा में जो भूखे लोगों को घर घर जाकर खाना पहुंचाता था, वो आज खुद भूखे मर रहा है। हम बात कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, जो आज मध्यपुरा के बीरपुर जेल में बंद है। वो मध्यपुरा के कुमारखंड थाना में दर्ज अपहरण के मामले में कल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मध्यपुरा जेल में बंद कर दिया। आपको बता दें, पप्पू यादव की रिहाई के लिए लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के कई नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। वहीं वकील की बात करें तो पप्पू यादव की वकील ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पप्पू यादव की रिहाई के लिए याचिका दायर की गई थी, जो अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के बेल के लिए हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय करोल के समक्ष इस मामले को जल्द सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मध्यपुरा के कुमारखंड थाने में दर्ज अपहरण के एक मामले में मंगलवार को सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्यपुरा कोर्ट में वर्चुअल पेशी के बाद करीब रात को 1 बजे पूर्व सांसद को बीरपुर जेल लाया गया, लेकिन जिसके बाद बेल के लिए हाईकोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी। पप्पू यादव के वकील इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव वर्ष 1989 के दौरान सूचक शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाने में राम कुमार यादव तथा उमा शंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। करीब 32 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मध्यपुरा पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव पर चल रहे अपहरण के पुराने मामले में आपसी समझौता भी हो चुका था, लेकिन न्यायालय से बहुत पूर्व ही पप्पू यादव के अनुपस्थित हो जाने पर वारंट निर्गत था। 22 मार्च को वारंट कुर्की जारी किया गया था। अब पप्पू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 32 साल पुराने मामले में मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था, साथ ही इसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उनके वकील इस मामले पर शीघ्र सुनवाई करने की प्रार्थना की, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने जाप सुप्रीमो की याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि क्या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बेल मिल पाता है या नहीं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।